सिर्फ आया हूँ और पार्टिसिपेट करने के लिए हूँ सब लोगों को मिलने के लिए। सो क्योंकि काफ़ी देर बाद मौका मिला है आने का और बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। हम लोग लगातार काफ़ी शोज़ में बिजी हैं और अच्छा लगता है कि जब जहाँ आर्टिस्ट इकट्ठे हों तो वहाँ पे आना ज़्यादा अच्छा लगता है और ये जगह है हम सब आर्टिस्टों की। तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब ने हमें यहाँ याद किया। जी मुझे बहुत बहुत खुशी इस बात की भी क्योंकि उन्होंने गाना भी किया है, फिल्म भी की है, अब होस्ट कर रहे हैं तो मज़ा आ रहा है। जी जी आप सहमत हैं, मतलब आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए शास्त्रीय संगीत हमारा जो ऐसी एक 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 बेस ऐसा है कि जिसके बिना कोई भी म्यूज़िक गाना करना बहुत ही मुश्किल है। तो अच्छा लगता है कि अगर वापस क्लासिकल गानों को लिया जाता है और उसको यूज़ करते हैं तो ये हमारे लिए और देश के लिए भी और जनरेशन के लिए भी बहुत अच्छा है। तो इसी तरह हमारी जो धरोहर है वो बची रहेगी और म्यूज़िक आगे पनपेगा। नहीं ऐसा नहीं है क्योंकि अगर हम लोग ये बहुत लंबी चौड़ी बहस है, म्यूज़िक का जो म्यूज़िक है वो चीज़ें ऐड होने से ख़राब नहीं होता क्योंकि इंस्ट्रूमेंट बनते जा रहे हैं, लोगों की सोच होती जा रही है और सारा दुनिया बहुत सिमट गई है। तो अगर इंस्ट्रूमेंट अलग अलग बजते हैं तो इससे कोई बुराई नहीं है। हाँ ये ज़रूर होना चाहिए, गाने वाला जो सुरूला होना चाहिए, बेसुरा नहीं होना चाहिए और वो बहुत ज़रूरी है। अगर रिमिक्स नहीं होगा तो लोगों को याद कैसे होगा? आज की जनरेशन जो है अगर कब के गाने हैं, कभी आर कभी पार लागा तीरे नज़र, कब के गाने हैं? अगर नहीं रिमिक्स करते तो आज की जनरेशन को पता कैसे लगता? होने चाहिए, बहुत ज़रूरी है, होना चाहिए। ओके कोई मांगे दौलत, कोई मांगे शोहरत, कोई मांगे सोना, कोई मांगे चांदी, मैं कुछ ना मांगूं, मैं तेरी बांदी। हाय तेरे नाम पे जीना मरना, तेरे नाम पे जीना, कर मेहरबानी, मैं तो दीवानी दीवानी दीवानी, मैं तो दीवानी दीवानी दीवानी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।